हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप न्यूज़पेपर बैकग्राउंड के साथ अपने फ़ोटो क्लिक कर सकते हो बहुत ज़्यादा कम जगह में अपने ही फ़ोन से और बिना ज़्यादा किसी मेहनत के। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो आपके पास बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश नहीं तो हिंदी से भी काम चल जाएगा। उसके बाद कि जिस तरह से आप सबको पता है मेरे पास कोई लाइट नहीं है, मेरी लाइट ख़राब हो चुकी है, तो मुझे एक बैल्कनी ही है जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसी के सामने ही मुझे अपना फ़ोटो शूट करना है। तो मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी बैकग्राउंड बना रही हूँ, अदरवाइज़ अगर आप लोग अपनी वॉल पर पेपर चिपका सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वहाँ पर स्टैंडिंग पोज मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी फोल्डिंग ले ली है और फोल्डिंग के ऊपर ही मैंने सारे पेपर लगा दिए हैं और एक दूसरे से बैकग्राउंड की साइड से चिपका दिए हैं टेप की हेल्प से, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना इतना ही पोर्शन चाहिए था। अगर आपको पूरे स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए तो आप डेफिनेटली पूरे वॉल पे लगा सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए अपना फ़ोन, फ़ोन आप अपने सीधे सामने रख सकते हो जहाँ आपके फेस पर लाइट पहुँचे, लाइट पड़े। और उसके बाद अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो अपने कैमरे में फिट नहीं हो रहा है, फ़ोन में फिट नहीं हो रहा है, तो आप उसको जूम कर सकते हो, थोड़ा सा जूम कर लो। यहाँ आप देख सकते हो कि जिस तरह मैं बैठी हूँ मेरा फ़ोन एकदम सामने है, और सामने इस तरह से है कि आप मेरे सामने ही मेरा फ़ोन रखा है, आप देख नहीं पा रहे हो उसमें क्योंकि सही से एंगल फिट नहीं हो रहा है, और इस लेंथ पे है ताकि मेरा जो है पूरा आ जाए, मैं कवर हो जाऊँ उस पर। और अब हमें करने हैं पोज, पोज पूरे आप पर डिपेंड है कि आपको किस तरह से पोज करने हैं। अगर आपको मेरे पोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी पोज आते हैं, जो आपके बेस्ट पोज हैं, जो आपका मन कर रहा है वो आप कर सकते हो। और ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फाइनली जो मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक करी थी बट जो बेस्ट थे मैं उन्हीं को शो करूंगी। तो आप देख सकते हो किस तरह से आया है ये लुक, टर्न आउट गाइस। सेकेंड लुक के लिए मैंने ये करा है, आपको लेना है अपने डैडी की, अपने भाई की, आपके घर में जो भी जेंट्स हो उनकी शर्ट लेनी है क्योंकि वो ओवर साइज होगी, तो हमें यहाँ पे ओवर साइज शर्ट लेनी है और एक साइड से शोल्डर ऑफ करना है और बटन लगाना ताकि वो कंट्रोल में रहे। उसके बाद आपको पोज करने, जिस तरह से भी आप पोज करना चाहते हो, ज़्यादातर जो बेस्ट पोज रहते हैं बैठे हुए वो रहते हैं कि आपका एक लेग ऊपर होना चाहिए और दूसरा हाथ उस पर होना चाहिए। बालों को यहाँ पे मैंने पूरी तरह से मैसी रखा है और उसमें कोई ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करी है। आप अपना गॉगल ले लो, आप अपने सनग्लासेस ले लो, स्पेक्स ले लो और इस तरह से उनको कर सकते हो, जिस तरह से बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्यूट पोज आएगा और बहुत ज़्यादा हॉट भी आएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ईयरिंग्स में सबसे बेस्ट होता है हूप ईयरिंग्स, तो मैंने यहाँ पे वही कैरी करे हैं। और आप किस तरह से भी पोज करो, मेरे अच्छे लग रहे तो आप वो कॉपी कर लो, बहुत ज़्यादा सिंपल है।